हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे एपी सीक्वेंस एंड सीरीज एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन। देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, जो जो बोलता जाऊँ वैसे वैसे करना है आपको, ठीक है? इजी इजी कंसेप्ट है। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सिक्वेंस 1 to 6। एक्सरसाइज 1 से 6 तक जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पहला दे रखा है हमें ए एन इज इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, एन एन प्लस 2, ठीक है? हमको 1 से लेकर 6 तक सब में क्या फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं ना, क्या फाइंड करने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब सिंपल है, देखो फर्स्ट 5 टर्म्स को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 पुट कर दो, तो n बराबर 1 जब पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a, यहाँ क्या आएगा n की जगह 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 1 plus 2। तो यहाँ 1 into पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है कितना आया 3, आंसर कितना आ गया 3। फिर सेकेंड टर्म कैसे आएगा, n बराबर 1 का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट टर्म, और n बराबर 2 का मतलब सेकेंड टर्म, ऐसे ही n बराबर 2 3, समझ गए? तो ए टू कैसे आ जाएगा, एन की जगह देखो यहाँ इसी जगह तो 2 पुट करेंगे, तो ए टू बराबर एन की जगह यहाँ क्या आएगा 2 2 plus 2, कितना आया 2 into 4 8, चीज समझ गए? ऐसे ही एन बराबर क्या पुट होगा 3, क्या निकल जाएगा एन 3 a 3, तो 3 3 plus 2 कितना आ जाएगा 3 into 5 15, ठीक है? ऐसे ही क्या आएगा ए फोर आ जाएगा 4 4 plus 2, और 4 into कितना आ जाएगा 6 30, ठीक है? समझ आ गई बात है नहीं? और ए फाइव क्या आएगा, फिफ्थ टर्म 5 5 plus 2 5 into 7 35। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से होगा इस केस में, फर्स्ट 5 टर्म्स 3 8 15 30 35, चीज समझ आ गई ना, कितना इजी निकालना। चलो ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि ए एन इक्वल्स टू दे रखा है एन एन प्लस 1, तो इस केस में भी हमें यही फाइंड करना है, कितना ईजी बताओ, n बराबर क्या पुट करोगे पहले 1, तो 1 पुट करा यहाँ कितना आएगा 1 upon 1 plus 1, आंसर कितना आया 1/2। सेकेंड टर्म क्या आएगा, n की जगह क्या पुट होगा 2, तो यहाँ आएगा 2 upon 2 plus 1, कितना आया 2 upon 3, ठीक है? फिर a3 कितना आएगा, n की जगह 3 पुट होगा तो 3 3 plus 1, कितना आया 3 upon 4, अगला क्या आ जाएगा 4 upon 5, अगला क्या आ जाएगा 5 upon 6, समझ गए होगे बात है ना, क्योंकि जैसे बढ़ता ही तो जा रहा है, एक है तो 2 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 3 4, ठीक है? तो सारे टर्म समझ में आ गए। चलो अब इसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है ए एन आपको दे रखा है 2 की पावर n, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट इसके टर्म लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा 2 की पावर 1, दूसरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तीसरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, चौथा क्या होगा 2 की पावर 4, और पांचवा क्या होगा 2 की पावर 5। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं? एन की जगह 1 पुट करा तो क्या मिला हमें, ऐसे मिला, एन की जगह 1 पुट करा तो कितना मिला a1 बराबर 2 की पावर 1, फिर एन की जगह 2 पुट करा तो क्या मिला a2 बराबर 2 की पावर, जहाँ एन है सिर्फ वहाँ पुट करना है, ठीक है? समझ आ गई ना? ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 4 और 2 की पावर, ये कितनी हो गई 8, ये कितना हो गया 16 और ये 32। ये चीज़ समझ में आ गई? 2 की पावर 1 कितना होता है 2 2 की पावर 2 कितना होता है 4 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसी तरीके से सारे टर्म आ जाएंगे। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ सकते हो। नहीं ये फोर्थ तो सिंपल है, 2n-3/6। तो इस केस में भी कैसे निकालोगे फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले क्या निकालोगे ए वन, वन के लिए क्या करोगे, यहाँ पर जहाँ भी n है वहाँ क्या पुट करना है 1, तो कितना आ जाएगा 2 into 1-3/6, पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2-3/6 कितना आया -1/6, समझ गए? फिर ए टू सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, n की जगह क्या पुट करोगे अब 2 पुट कर दोगे, तो यहाँ आएगा 2 into 2-3/6 कितना आया 4-3/6, आंसर आया 1/6, समझ आ गई बात? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसी केस में, a3 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 into 3-3/6 क्या आएगा 6, 2 3 6-3/6 3/6 आ गया, ठीक है? ऐसे ही आगे टर्म आ जाएंगे ना। चलो ये भी इजी है, हटाओ इसे। चलो तो तीनों आ गए, अब आते हैं फोर्थ पे। चलो
चलो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ भी इजी है, फिफ्थ पर थोड़ा समझने लायक है, इस चीज को समझना। माइनस वन की पावर क्या दे रखा है? एन प्लस वन, और मल्टीप्लाई में दे रखा है फाइव की पावर एन प्लस वन। तो इजी है, देखो कैसे करोगे। ए वन, एन की जगह वन पुट करना सीखो। एन की जगह वन पुट करने का मतलब यहाँ वन आ गया, और कहाँ का वन आएगा? माइनस वन, फिर ब्रैकेट ही लगा, फिर यहाँ क्या होगा? एन की जगह वन प्लस वन, और इंटू फाइव की जगह क्या आएगा? वन प्लस वन। और ये चीज़ यहाँ देखो, माइनस वन की पावर कितनी हो गई अब? टू, और मल्टीप्लाई बाई फाइव की पावर कितनी हो गई? टू। समझ गए? अब माइनस वन की पावर, फाइव की पावर टू तो हमको पता है कितना होता है, पच्चीस होता है ना। लेकिन माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर होगा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। समझ गए? वन इंटू वन वन, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वन इंटू पच्चीस। आंसर कितना आया? 25। इजी है, और ये साथ साथ पुट करो तभी सीख पाओगे। माइनस वन की पावर एन की जगह क्या आएगा? टू पुट करेंगे, तो एन की जगह यहाँ टू पुट होगा, तो आएगा टू प्लस वन। समझ गए? फाइव की जगह क्या आएगा? टू प्लस वन। यहाँ कितना आया? माइनस वन की पावर थ्री, और फाइव की पावर थ्री। फाइव की पावर थ्री कितना हो जाएगा? फाइव फाइव जो 25, 125। ठीक है, और यहाँ माइनस वन की पावर थ्री कितना होता है? तो ये माइनस वन का क्यूब क्या होता है? माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस, तो माइनस क्या आया? वन। और ऐसे भी सीख सकते हो, देखो माइनस वन की पावर अगर इवन है, दो है, या फिर माइनस वन की पावर चार है, तो प्लस वन आएगा, और अगर ऑड है, तीन है, पाँच है, सात है, नौ है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ ऑड है, माइनस आएगा। आंसर कितना है? माइनस 125। समझ गए? ए थ्री क्या आ जाएगा? माइनस वन की पावर थ्री यहाँ आएगा, थ्री प्लस वन, फाइव की पावर थ्री प्लस वन कितना आया? माइनस वन की पावर फोर, फाइव की पावर फोर। माइनस वन की पावर फोर इक्वल मतलब क्या? इवन। इवन होगा तो क्या आएगा जी? प्लस वन, और फाइव की पावर फोर कितना होता है? 625। तो आंसर आ जाएगा 625। चीज समझ गए? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? देखो बेटा, ए फोर आ जाएगा, माइनस वन की पावर क्या? फोर प्लस वन, फाइव की पावर फोर प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस वन। डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि ये कितनी है? फाइव, और फाइव की पावर फाइव कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3125। चीज़ समझ गए? तो माइनस 3125। अगला वाला क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट वाला भी कर लेना, खुद से हटा दूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं, सिक्स्थ वाला। चलो बेटा, सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है? सिक्स वाला क्वेश्चन है ए एन बराबर एन, और फिर है एन स्क्वायर प्लस फाइव और फोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, फ्रैक्शन में। मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ पर ये ऊपर होता, ये बीच में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ये सीखे हो ना, जैसे फोर वन बाई टू, तो इसको क्या करते हैं? टू से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फोर टू जो एट, फिर प्लस वन करते हैं अपॉन टू, मतलब क्या? नाइन बाई टू। याद है ना? तो ये इस तरीके से करना है। मतलब क्या करना है? पहले इसको चाहो तो ढंग से कर लो कि फोर का इधर इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा? फोर एन प्लस एन स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर। ये नहीं समझ में आया? ये हमने क्या करा है? पहले ही फोर का इंटू कर दिया किस में? एन में, क्योंकि ऐसे ही तो कर सकते हो। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हो, और फिर इसमें एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे करके देखते हैं पहले। तो ये यही तो आ गया एन। अब यहाँ पर ए एन में ए बराबर ए एन की जगह क्या पुट कर दो? वन। तो क्या मिलेगा तुम्हें? फर्स्ट टर्म। हाँ या ना? एन की जगह वन पुट करो कितना आएगा? फोर, फोर वन जो फोर, और वन का स्क्वायर वन, और फाइव फाइव आ गया। अपॉन में क्या आया? फोर, फाइव फोर, फोर और फोर, फोर वन फाइव फाइव टेन, टेन अपॉन फोर। आंसर कितना आया? फाइव पॉइंट टू। चीज समझ गए? अब यहीं पर ही ए टू चाहिए तो क्या निकलेगा? ए टू, टू पुट कर दो यहाँ, तो फोर टू जहाँ कितना आया? एट। टू का स्क्वायर कितना आएगा? फोर, और यहाँ कितना आएगा? फाइव अपॉन फोर। आठ और चार बारह, पाँच सत्रह अपॉन चार। ठीक है, ऐसे ए थ्री फाइंड कर लो, तीन पुट करो तो चार थी बारह, थ्री का स्क्वायर नाइन, और फाइव, यही सही आ रहा है ना? बारह और नौ इक्कीस अपॉन छब्बीस अपॉन चार। समझ गए? अब एक तो ये तो तरीका था, ये वाला कौन सा था बेटा? ए एन वाला है ना। अगर हम ए एन वाला ना यूज़ करते, मतलब ये नहीं यूज़ करते, इसे खोलते नहीं, इस तरीके से इंटू करके ऐड नहीं करते, तो हम क्या करते? ये डायरेक्ट यहीं पर ही तो लगाते, तो अब डायरेक्ट और लगाते हैं, मतलब इसको तुम सेकंड मेथड लिख लेना। देखो इसके नीचे के मैंने तीन ही टर्म निकाले हैं, फोर्थ फिफ्थ निकाल लो खुद से, है ना। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ जिसमें हम ऐसे निकालेंगे। तो ए वन क्या आएगा यहाँ पर? वन यहाँ पुट होगा, क्या आएगा यहाँ? वन,
और यहाँ क्या आएगा, वन का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, वन का स्क्वायर ऐसे प्लस फाइव अपॉन में क्या आएगा, फोर, समझ में आ गई ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वन इंट वन, और वन के बिल्कुल बीच से देना है ये, और वन का स्क्वायर वन प्लस फाइव कितना हो गया, सिक्स अपॉन फोर, यही तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका इंटू इधर की तो करते हैं, कितना आएगा, फोर प्लस सिक्स अपॉन फोर, टेन अपॉन फोर, क्या टेन अपॉन फोर ही आ रहा था, सही है। अब अगर ए टू निकालना हो तो क्या करेंगे, टू रखेंगे और टू के बाद एक बीच में लाइन बनाएंगे, टू का स्क्वायर फोर रखेंगे प्लस फाइव अपॉन फोर, आया ना, ये कितना आ गया, टू नाइन अपॉन फोर, ये चार दूनी आठ और नौ सत्रह अपॉन चार, समझ में आ गई बात, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, दोनों से आंसर आपके सेम आने हैं। चलो तो बाकी के टर्म निकाल लेना, कुछ से हटाते हैं, आगे आ जाओ। देखो तो टर्म निकालना समझ गए ना, कि अगर n के टर्म्स में कुछ दे रखा है तो टर्म निकालना इजी है, ठीक है। जैसे कुछ भी दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है ए एन बराबर, मान लो ये दे रखा है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस सिक्स दे रखा है, और पूछ रहा है फर्स्ट सेकेंड टर्म निकालो, तो क्या करना है, एन बराबर वन पुट करना है ऐसे करके, यहाँ वन पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पुट कर दो, तो वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन टू प्लस सिक्स, कितना आ गया, नाइन आ गया, ऐसे ही टू पुट कर दो, थ्री पुट कर दो, जितने टर्म का है निकाल लो, लेकिन याद रखना फर्स्ट टर्म हमेशा किससे स्टार्ट होता है, एन बराबर वन से, ठीक है। चलो ये सब हटाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स हुज nth टर्म्स आर गिवन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो इधर समझ लो, सेवन्थ क्वेश्चन में कह रहा है ए एन आपको दे रखा है कितना है, फोर एन माइनस थ्री, नज़र आ रहा है, आया ना, हमें इंडिकेटेड टर्म्स निकालना है, इंडिकेटेड का मतलब टर्म्स तो देखो हज़ारों हो सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्वेंटी फोर, समझ गए। इंडिकेटेड का मतलब क्या है, कि वो कह रहा है ए सेवनटीन निकालो और ए ट्वेंटी फोर निकालो, बस ये दो निकालो, तो ए सेवनटीन और ए पूरे चैप्टर में हमें जब निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे, ए सेवनटीन का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू कितनी है, सेवनटीन, यहाँ से बस इतना पहचान लो कि ए के नीचे जो नंबर है वो क्या है, एन की वैल्यू, हाँ या ना, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना ए के जस्ट नीचे क्या लिखा होता है, एन की वैल्यू, तो एन बराबर यहाँ सेवनटीन पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दो, पुट एन बराबर सेवनटीन यहाँ पर, तो क्या आएगा, ए सेवनटीन बराबर, यहाँ पुट करोगे तो बेटा इधर भी, अगर इक्वल्स टू के इधर करते हो तो इधर भी वही काम करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ क्या आएगा, फोर इंटू सेवनटीन माइनस थ्री, पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा जी, 68 माइनस थ्री, आंसर कितना आया, 65। अब आया कि ए 24 निकालो, तो इसका मतलब क्या है, पुट एन इक्वल्स टू 24, तो 24 पुट करोगे तो क्या आएगा, ए 24 बराबर 4 इंटू 24 माइनस थ्री, ये कितना आया, 96 माइनस थ्री, कितना आ गया, 93, चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, यही कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, एट्थ वाला, एट्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटा ए एन बराबर आपको दे रखा है एन स्क्वायर अपॉन टू की पावर एन, ठीक है, और टर्म जो तुम्हें फाइंड करना है वो है ए सेवन फाइंड करो, चीज़ समझ गए ना, क्या फाइंड करना है, ए सेवन, बहुत ईजी है, बस एन की जगह यहाँ क्या पुट कर दो, सेवन, तो एन यहाँ सेवन पुट कर रहे हो तो यहाँ भी कर दो, कितना आएगा, सेवन का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, टू की पावर सेवन, समझ गए, सेवन का स्क्वायर होता है बेटा 49, पता है ना, सेवन स्क्वायर मतलब सेवन इंटू सेवन, जो ऊपर पावर होती है खोपड़ी पे उस उतने टाइम्स इंटू करते हैं, तो दो की दो के सर पे कितनी पावर है, दो नहीं सात, इसका मतलब दो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, अभी सात बार, तो दो सात बार मल्टीप्लाई, दो चार आठ सोलह बत्तीस चौंसठ 128, तो आंसर आएगा 128 ए 17, समझ आ गई बात, सिंपल है, हटा दो इसे। अब आते हैं किस पे, नाइन्थ वाले पे, चलो नाइन्थ वाला टर्म, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ है कि ए एन आपको दे रखा है माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एन क्यूब, और फाइंड करना है आपको बेटा ए नाइन, तो यहाँ पर ए नाइन का मतलब क्या है कि पुट एन बराबर कितना, नाइन, नाइन पुट करोगे तो ए इधर पुट करना नाइन, तो यहाँ माइनस वन की पावर कहाँ पुट होगी, नाइन इधर, तो नाइन माइनस वन, और यहाँ नाइन की पावर कितनी आएगी, थ्री, क्योंकि एन यहीं पर ही था नाइन, ठीक है। अब बेटा माइनस वन की पावर कितनी आई यहाँ पर, एट, और नाइन की पावर थ्री का मतलब क्या है, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, मैंने बताया था कि माइनस वन की पावर एट का मतलब क्या होगा,
प्लस वन, क्यों? क्योंकि माइनस वन की पावर कैसी है? इवन या ऑड? इवन, इवन आती है तो प्लस आता है, तो यहाँ वन आएगा, और नाइन 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 कितना होता है? सेवन टू नाइन प्लस का, तो ये आंसर आ गया, समझ गए? अगला टर्म है, टेंथ वाला क्वेश्चन है, इसे हटाओ। देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेंथ वाला। टेंथ वाला क्या कह रहा है कि फाइंड ए ट्वेंटी, ठीक है, ए एन फिर से दे रखा है हमें, एन एन माइनस टू अपॉन में कितना दे रखा है, एन प्लस थ्री, ठीक है, ए ट्वेंटी फाइंड करना है, ये तो कोई भी कर लेगा, एन की जगह ट्वेंटी पुट कर दो, तो ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस टू अपॉन ट्वेंटी प्लस थ्री। हमेशा याद रखना लाइफ में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 18 अपॉन कितना आएगा 23, समझ गए? ऊपर आ गया 360, नीचे आ गया 23, ये आ गया इसका 20th राउंड, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के आगे के, 11 से लेके उसमें हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फिर से वही फाइंड करने हैं टर्म्स। चलो करते हैं, इन्हें भी ईजी है, मज़ेदार है, हटा दें सर, लेकिन 11 से आगे के समझने में थोड़ा नई नई चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, तो ट्राई करना, अच्छा समझ आया। देखो 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ए वन दे रखा है आपको कितना, थ्री, ठीक है, और उसके बाद देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो अब तक आए थे वो सब इजी थे, ये अच्छे क्वेश्चन है। अब ए वन कितना दे रखा है, थ्री, और यहाँ दे रखा है ए एन, देखो बहुत साफ बनाऊंगा ताकि बहुत साफ समझ में आए, ए एन बराबर थ्री टाइम्स ऑफ ए एन माइनस वन और प्लस टू, ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन वन, डरना बिल्कुल नहीं है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड जो करना है वो फाइंड करने हैं फर्स्ट कितने टर्म्स, फाइव टर्म्स, समझ गए ना? अब सुनना मेरी बात बेटा, फर्स्ट फाइव टर्म्स क्या होते हैं, हमेशा फर्स्ट फाइव टर्म्स यही तो होते हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव, हाँ या ना, यही होते हैं। एन की जगह वन करो, टू करो, थ्री करो, फोर करो, फाइव पुट कर दो, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट फाइव टर्म्स। अब फर्स्ट फाइव टर्म्स में क्या आपको पहला टर्म पता है? बिल्कुल पता है, पहला टर्म क्या है, थ्री। क्या आपको सेकेंड टर्म पता है? क्या आपको सेकेंड टर्म पता है? आंसर है नहीं। सेकेंड टर्म का मतलब क्या नहीं पता आपको, ए टू नहीं पता है ना, तो ए टू का मतलब क्या है कि ऐसी जगह ढूंढो जहां आप एन की जगह क्या पुट कर सको, टू। क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ एन की जगह क्या पुट कर सकते हो, टू। तो मुझे एक ही जगह नज़र आ रही है ये, इसकी जगह इसके अलावा कहीं और पुट कर सकते हो, नहीं, तो यहाँ एन क्या पुट करूँ मैं, टू। अब समझना बात, जैसे ही मैं एन क्या पुट करता हूँ, पुट एन बराबर टू, यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ एन बराबर टू, तो ये कैसा नज़र आता है, ऐसे ही तो आएगा ए टू, हाँ या ना। अब देखो बेटा, बराबर तीन बड़ा है एक बड़ा, और फिर क्या आ रहा है, ए, और फिर एन की जगह क्या आएगा, टू, लेकिन माइनस, यहाँ छोटे टू में से छोटे में क्या माइनस हो रहा है, वन, और फिर एक बड़ा प्लस है और फिर बड़ा टू है, ये थोड़ा समझ रहे हो ना बात, थोड़ा दिमाग वाली बात है ये। अब ए टू बराबर क्या आएगा, थ्री, और ये माइनस हो जाएगा यहीं बगल में ही, तो दो में से एक क्या, वन, और प्लस क्या आया, टू, चीज समझ गए। अब यहाँ क्या आएगा, ए टू बराबर, देखो बेटा इन क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू आएगी जो आपको कहीं पहले से उठानी है, समझ गए? जैसे यहाँ क्या फंस गया, ए वन आ गया, क्या ए वन आपको पता है, पता है, ये रहा कितना है, थ्री, तो यहाँ क्या आएगा, थ्री इंटू ए वन कितना पुट कर दूँ, थ्री प्लस टू, थ्री थ्री या नाइन प्लस टू, कितना आया बेटा, इलेवन, ए टू कितना आ गया, इलेवन, समझ गए? चलिए पुट करते हैं, ए थ्री फाइंड करते हैं, सब समझ में आएगी बात। ए थ्री का मतलब एन की वैल्यू कितनी पुट होगी, थ्री, एन की वैल्यू यहाँ पुट होगी थ्री, तो ए थ्री आ गया, बराबर क्या आएगा, एक बड़ा तीन, हाँ या ना, फिर क्या आएगा, ए, और डायरेक्ट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, थ्री माइनस वन कितना आएगा, ए टू बराबर प्लस क्या आएगा, टू, ये नहीं समझे? एन की जगह थ्री पुट करा तो ए थ्री, फिर तो आया थ्री, फिर ए थ्री यहाँ पुट करा तो थ्री में से बन गया, क्या बचा, टू, तो क्या बचा, ए टू प्लस क्या आया, टू, समझ गए? अब ए थ्री बराबर थ्री, क्या ए टू पता है तुम्हें, क्या ए टू पता है, हाँ, जो निकाला था ना अभी कितना आया था, इलेवन, प्लस कितना आया, टू, कितना आया बेटा, थर्टी थ्री प्लस टू, ए थ्री कितना आ गया, थर्टी फाइव, ठीक समझ आ गई ना। चलो ऐसे ही फाइंड करते हैं, अब एक और फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर ए थ्री हो गया, ए फोर फाइंड करते हैं, ए फोर कितना आएगा, एन की जगह क्या पुट करोगे, अब
फोर, तो यहाँ फोर पुट हुआ तो इधर आया थ्री ए, इधर फोर पुट करोगे तो कितना आएगा थ्री प्लस टू, तो ए फोर कितना आ जाएगा थ्री, ए थ्री कितना है बेटा 35 प्लस टू 105 प्लस टू 107 ए फोर, चीज समझ गए। और ए फाइव कितना आएगा, ए फाइव आएगा 4 इंटू 107 प्लस टू, मतलब आ जाएगा 430, समझ गए 430 आ रहा है ना 423 बेटा ए फाइव की कह रहा हूँ मैं, हाँ ए फाइव ठीक है 323 आएगा, सही है ए फाइव आएगा 323 क्योंकि 3 ए फोर प्लस टू आ जाएगा, ठीक है हटा दूँ सारे। चलो एक चीज़ और समझने लायक है, यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है ना फॉर ऑल एन इक्वल्स टू ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या है कि एन की वन से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब वन से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यहाँ एन क्या पुट कर सकते हो कम से कम दो, मतलब दो के बाद ही पुट करना है भाई, वन नहीं पुट करना, समझ गए ना ठीक है। अगर यहाँ एन ग्रेटर देन क्या लिखा होता टू, तो एन क्या पुट करते हम थ्री पुट करते, समझ गए। चलो इसे हटाओ अगला करते हैं, चलो बेटे देखो अगला क्वेश्चन है आपका ट्वेल्थ वाला। ट्वेल्थ वाले में कह रहा है कि ए वन आपको दे रखा है कितना माइनस वन है ना, और उसके आगे दे रखा है आपको कि ए एन, ए एन छोटा एन बराबर है ए एन, ये माइनस वन लिखा है ना यहाँ पर, हाँ है ना ठीक है मिस प्रिंटर से। और यहाँ देखो क्या लिखा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है तो यहाँ बताओ पहले कौन सा टर्म दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है फर्स्ट टर्म दे रखा है, अब हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब ए क्या फाइंड करना है टू, टू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ यहीं तो पुट करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ए टू माइनस वन अपॉन में क्या पुट करूँगा टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन की जगह यहाँ एन कितना रखा है टू। देखो अगर अच्छे से देखो कुछ नहीं करते हम, सेकेंड टर्म फाइंड करना एन दो है, जहाँ भी एन दिखाई दे वहाँ एन दो पुट कर दो, यहाँ पुट कर दिया दिख गया, यहाँ पुट कर दिया दिख गया, और कहीं दिख रहा है ये रहा दिख गया, समझ गए। ये कितना आ जाएगा टू माइनस वन ए वन अपॉन टू, ए वन कितना है बेटा माइनस वन है ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, तो ए टू आ गया। अब ए थ्री निकालोगे तो क्या पुट करोगे एन की जगह थ्री, थ्री आ गया यहाँ कितना आएगा ए टू अपॉन में कितना आएगा थ्री, ए टू कितना निकाला है आपने माइनस वन बाई टू अपॉन में क्या आएगा थ्री, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा माइनस वन बाई सिक्स, चीज समझ में आई या नहीं आई। अब क्या फाइंड करना है तुम्हें ए फोर, एन की जगह फोर पुट करोगे तो इधर आ जाएगा ए थ्री, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, फोर यहाँ पुट करने पे थ्री आता है अपॉन फोर, तो ए फोर बराबर ए थ्री कितना है माइनस वन बाई सिक्स इंटू फोर माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर, ठीक है। और ए फाइव में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ माइनस वन बाई नाइन्टी सिक्स आएगा, ठीक समझ गए हटा दो इसे। और यहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वल टू लिखा है तो यहाँ पर एन की सबसे छोटी वैल्यू टू पुट हो सकती है, समझ गए। अगर ऐसा होता तो थ्री होती, लेकिन अभी ऐसा है तो टू भी हो सकती है, ठीक है चलो इसे हटाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आपका थर्टींथ वाला। थर्टींथ क्या है ए वन बराबर ए टू बराबर दो दे रखा है और आपको सीरीज दे रखी है ए एन बराबर ए एन माइनस वन माइनस वन, ये चीज़ समझ गए ठीक है बेटे। और यहाँ दे रखा है एन इज़ ग्रेटर देन टू, अभी मैंने सिखाया था यहाँ एन इज़ ग्रेटर देन टू का मतलब क्या है, एन इज़ ग्रेटर देन टू का मतलब क्या है कि एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम तीन, भैया दो से बड़ी होनी चाहिए, समझ गए यानी ठीक है दो से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले और देखो हमें ए वन तो पता ही है कितना है दो, और ए टू भी इसी के बराबर, तो ए टू भी कितना है दो, हमें क्या नहीं पता अब ए थ्री, तो हम पहले क्या निकालेंगे ए थ्री, तो ए थ्री निकालने के लिए कितनी बार बताया है बेटा ए थ्री का मतलब क्या होता है कि पुट एन बराबर थ्री, हाँ या ना थ्री पुट कर दो सिंपल यहाँ पे, तो ए थ्री समझ गए एन की जगह यहाँ थ्री, तो यहाँ क्या आएगा ए कितना लिख दूँ टू लिख दो, क्यों लिख दो क्योंकि यहाँ क्या आएगा ऐसे ही तो आएगा जी ए थ्री माइनस वन माइनस वन, ये चीज़ समझ में आई ना, तो थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा जी ए टू माइनस वन, तो ए थ्री बेटा कितना आएगा ए टू कितना है आपका ए टू कितना है ए टू कितना है टू, तो यहाँ आएगा टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन, तो ए थ्री आ गया वन।
नाउ फाइंड ए फोर. ए फोर का मतलब क्या हो जाएगा, एन की जगह फोर यहाँ पुट करोगे, देखो तो ये कितना बन जाएगा, फोर माइनस वन कितना बनेगा जी, थ्री माइनस वन. तो ए फोर बराबर क्या आया, ए थ्री कितना आया, वन माइनस वन जीरो. समझ आ गई बात, आया ना. अब क्या आएगा, ए फाइव बराबर में लिख दूँ ए फोर माइनस वन, तो ए फाइव बराबर यहाँ समझ गए ना, ए फोर जीरो माइनस वन कितना आया, माइनस वन. तो टर्म क्या क्या आए, टू टू, फिर आया वन, फिर आया जीरो, फिर आया माइनस वन. चीज समझ आ गई, कोई परेशानी इसमें? तो भैया मैं ये ए पी थोड़ी है, ए पी नहीं है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, बस सीरीज. सीरीज कैसी भी हो सकती है, देखो ए पी और सीरीज में डिफरेंस है. अभी ए पी पढ़ेंगे, दो चार छः आठ, ये सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, दो का है, तो ये ए पी है ना. लेकिन यहाँ पर एक अपॉन दो, एक अपॉन चार, एक अपॉन छः, ये ए पी में नहीं है. इसको एक दूसरे को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग. लेकिन फिर भी हम अगला नंबर पहचान सकते हैं या नहीं, कौन सा होगा, एट. क्यों, क्योंकि ये एक सीरीज है, एक सीरीज जो क्या कर रही है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है. समझ गए या नहीं, एक सीरीज जो क्या कर रही है, पैटर्न फॉलो. जैसे ये कुछ नहीं होता, जैसे मान लो एक ये है 101 और अगला नंबर है ये, अगला क्या होगा, और अगला क्या होगा, यही तो होगा ना. तो ये जी पी है ना, ए पी है ना, एच पी है ना, दुनिया भर की कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है. लेकिन ये क्या है, एक प्रोग्रेशन नहीं है पर ये सीरीज है. समझ गए, सीरीज जो हम पहचान सकते हैं अपने आप. नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 101 के बीच में 5 जीरो आ जाएंगे. समझ गए, तो ये ए पी नहीं है, क्या है ये, सीरीज है बस, जिसमें हम टर्म फाइंड करना सीखते हैं. कोई परेशानी इसमें नहीं. चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेबोनाची की सीरीज का. देखो देखो फेबोनाची की सीरीज, एक्चुअल में ये अगर आपके पास 11th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा तो ये चीज़ शायद आपको अच्छे समझ में आएगी कि कंप्यूटर में हम फेबोनाची की सीरीज की कोडिंग लिखते हैं ना. किस में लिखते हैं, जावा में भी लिखते हैं या सी में लिखते हैं या किसी स्कूलों में C++. तो देखो कोई भी कोडिंग के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, कोई भी कोडिंग तुम करते हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में बस जो वो होते हैं चेंज हो जाते हैं. क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, इम्पोर्ट डॉट पैकेज यूज़ करते हैं ना, सुनना समझना थोड़ी सी बात. और सी में हम क्या यूज़ करते हैं, सी में हम हैश टैग इंक्लूड वाला यूज़ करते हैं, studio.h करते हैं. लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हर एक में जो पैटर्न यूज़ करते हैं ना, जो दिमाग यूज़ करते हैं, वो पूरा मैथमेटिकल होता है. मतलब कंप्यूटर की अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स. ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये देखो समझना. जैसे हमको एक इस मतलब हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है छोटा सा, और जो सॉफ्टवेयर में हमको क्या करना है, बस नंबरों को शो करवाना है. मतलब एक सीरीज शो करवानी है. क्या सीरीज शो करवानी है, सुनना बात, क्या करना है, एक सीरीज शो करानी है. बहुत इजी सा एक कंप्यूटर बनाना सिखाता हूँ तुम्हें. देखो तो क्या होगा, एक क्या होगा, एक आउटपुट देने वाली क्या होगी, एक आउटपुट देने वाली स्क्रीन होगी, और एक क्या होगा तुम्हारा, कीबोर्ड होगा. ठीक है बेटा, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो फेबोनाची का सॉफ्टवेयर बनाएंगे. जैसे मान लो एक सीरीज हमने ये बना दी कि an बराबर 2n प्लस 3. ठीक है, तो काम कैसे चलता है, ये सॉफ्टवेयर डलेगा इसके अंदर. ठीक है, ये जो वो होगा an बराबर, तुम कीबोर्ड से n बराबर, यहाँ पर जब कीबोर्ड से n बराबर क्या पुट करोगे, 1. जैसे ही 1 दबाओगे तो उस सॉफ्टवेयर में जाएगा 1, क्या आएगा, 2n + 1 कितना आएगा, 2 + 3 कितना आएगा, आंसर कितना दिखाई देगा यहाँ, 5. समझ गए, स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, 5. और उसके बाद यहाँ पर n बराबर अगर तुमने क्या पुट करा, 2 पुट करा, तो कितना आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसके हिसाब से चलेगा, 2 × 4 = 3 = 7. अब सोच रहे हो सर ये सब ड्रामे यूज़ क्यों करते हैं, तो देखो इसलिए यूज़ कर सकते हो. मान लो एक छोटा मोटा हम ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं, ठीक है, क्या खोल रहे हैं हम, ऑनलाइन स्टोर. तो जहाँ पर एक कॉलगेट का प्राइस, मान लो कि एक कॉलगेट का प्राइस 10 रुपीज़ है, अच्छी बात है इसमें बहुत कुछ. देखो सुनना दोबारा, कि एक कॉलगेट का प्राइस मान लो कितना है, 10. ठीक है, तो वहाँ पर जब आप बिल बना रहे हो तो बिल बनाते टाइम एक सॉफ्टवेयर ही तो यूज़ करते हैं. उस सॉफ्टवेयर में हम क्या डालते हैं, हम ऐसे करके डालते हैं क्वांटिटी, कि उसने 3 कॉलगेट लिए. तो वहाँ फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, वहाँ फंक्शन ऐसा यूज़ करेंगे कि आउटपुट में क्या आना चाहिए, 3 × क्या आना चाहिए, n × क्या आना चाहिए, 10. आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो देखो आप समझो बात, ये क्या है, ये आउटपुट का मतलब यहाँ क्या है,
प्राइस, हाँ या ना, और 10 क्या है, कॉस्ट ऑफ वन प्राइस। तो जैसे ही आप एन डालोगे क्या वन, तो आंसर कितना आ जाएगा कि 10 रुपये हो गए, ठीक है। 3 कॉलगेट खरीदे तो एन कितना पुट करोगे क्वांटिटी, 3। चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब आपको डिस्काउंट देना है, मान लो 10N इसका क्या है प्राइस, और आपको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देना है मान लो 50% का डिस्काउंट सीधा दे रहे हैं, तो क्या करोगे इसी चीज़ पर हम क्या लगाएंगे कि 1/2 इंटू, या फिर ऐसे करके 50% इसी चीज़ का है ना, इंटू किसका 10N, तो इससे ये कटेगा 2 टाइम, अब कितना आ जाएगा जी 5N। तो अब सस्ते में बिच रही है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। या डिस्काउंट मान लो आप ऐसे दे रहे हो कि सोचो डिस्काउंट दे रहे हो 100 पीस के बाद, कि 100 खरीदोगे उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर ये पुट कर देंगे एन ग्रेटर देन 100, हाँ या ना, कि जब 100 क्वांटिटी पुट करोगे, जब 100 करोगे तब ये वाला ऑफर वैलिड होगा, समझ गए। तो बेटा इसी तरीके का हम जब बीटेक फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हम ये सब चीज़ें सीखते हैं, जहाँ पर फिबोनाची सीरीज एक पैटर्न होता है, ठीक है। इस पैटर्न को सीखो कैसे बनाते हैं, ईजी है काफ़ी। ये सब समझ में तो आ गया, ये सब फालतू की नॉलेज थी, काम में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है 11th में। देखो फिबोनाची सीरीज का जो वो होता है, वो होता है an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2। इसे अगर तुम बेटा अच्छे से देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, देखो पहला टर्म लिख दो 1, दूसरा टर्म लिख दो कितना 1। अब समझो पहले लॉजिकली बनाना सीखो कैसे बनता है, पहला कितना है 1, दूसरा कितना है 1, अगला टर्म इन दोनों को ऐड करके लाओ तो अगला क्या होगा 2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब अगला टर्म इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए तो अगला क्या होगा 3, हाँ या ना। अगला टर्म इन दोनों को ऐड होना चाहिए, कितना आएगा 5, और अगला टर्म क्या होना चाहिए इन दोनों, सॉरी कितना आना चाहिए 8, हाँ या ना, और अगला 13, अगला 21, हाँ या ना। थोड़ा दिमाग अगर चलाओ तो कुछ ऐसा ही तो है कि जैसे an अगर तुम्हें चाहिए तो इससे पहले कौन सा होगा an माइनस 1, और इससे पहले कौन सा होगा an माइनस 2, तो मतलब an बराबर क्या है इन दोनों को समी तो है, हाँ या ना। तो फिबोनाची ने यही करा था क्या, कि प्रीसीडिंग टर्म, दो पिछले टर्म को जोड़ के अगला टर्म बनाने को सीरीज को हम क्या बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, समझ गए। जैसे वो हमेशा n ग्रेटर देन 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि पहले दो टर्म तुम्हें दे रखे होंगे, तो 2 का मतलब क्या है हम पहला टर्म कौन सा फाइंड कर सकते हैं a3 कर सकते हैं, हाँ या ना, समझ गए ना। तो चलो अब ये तो था एक मैंने जो मुझे पता था बीटेक की नॉलेज से बनाना, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ सिखाना। देखो यार a3 जब तुम्हें फाइंड करना है तो n की जगह क्या पुट करोगे 3, क्या करोगे 3, तो यहाँ क्या आएगा a, यहाँ 3 पुट करो कितना आएगा a2, और यहाँ जब 3 पुट करोगे तो कितना आएगा a1, तो a3 बराबर कितना आया बेटा a1 और a2 तुम्हें दे रखे थे ना, कितने थे 1 1 1 1 ही तो है, a1 और a2 क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 1 2। अब तुम्हें अगर a4 फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो 4, तो क्या पुट करोगे यहाँ 4, और यहाँ क्या आ जाएगा a3, और यहाँ क्या आएगा a2। अरे समझ में आ गई बात, अब a3 कितना है 3, और a2 कितना है 1, कितना आ गया 4। अब बताओ a5 क्या होगा, 5 यहाँ पुट करोगे यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा a3, 5 यहाँ पुट करोगे तो 5 माइनस 2, समझ गए। अब a5 बराबर a4 कितना था बेटा 4, a4 4 ही आया था, नहीं a2 a3 2 है 2, और एक 3 आएगा ना इधर a4 3 आएगा, ठीक है। तो a4 कितना आया 3 प्लस a3 कितना है 2, तो अगला टर्म a5 कितना आ गया 5 आ गया, चीज़ समझ गए फिबोनाची सीरीज के बारे में, सही है। तो ये आ गई 1 1, और अगला कितना टर्म है 2, और अगला कितना है 3, और अगला क्या है 5। समझ में आ गई होगी बात कि 1 और 1 कितना हो गया 2 2 और 1 3 3 और 2 5, चीज़ क्लियर हो गई ना, समझ गए। चलो देखो इसके आगे एक और क्वेश्चन है छोटा सा, कि फाइंड an प्लस, फाइंड an प्लस 1 अपॉन an फॉर n बराबर किसके लिए 1 2 3 4 5 के लिए, तो यहाँ कैसे निकाल लोगे ये बताओ, जब n बराबर 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ यह आएगा a2 अपॉन a1, ठीक है, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी
एन की जगह जब टू पुट करोगे तो ए थ्री अपॉन कितना आएगा ए टू, एन की जगह फोर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी एन की जगह टू पुट करोगे तो थ्री अपॉन टू आएगा, थ्री पुट करोगे तो फोर अपॉन थ्री, और फिर क्या आएगा फाइव अपॉन फोर, और फिर क्या आएगा सिक्स अपॉन फाइव। चीज समझ में आ गई या नहीं? ये इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड है ए एन प्लस ए, और अब तो फाइंड करना ए टू अपॉन ए वन, तो ए टू की वैल्यू तो मैं यहाँ से मिलेगी, ए वन की यहाँ से मिलेगी, क्या आएगा वन अपॉन वन, ए थ्री अपॉन ये कितना मिलेगा दो अपॉन वन, फिर कितना आएगा थ्री अपॉन टू, फिर कितना आएगा फाइव अपॉन थ्री, और फिर आएगा एट अपॉन फाइव। ठीक है, इसे चेक कर लेना बढ़िया से, और सारी क्वेश्चन चेक कर लेना, सारे आंसर चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक लिंक होगा, जरूर देखना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।